तो ये देखें पहाड़, बाकी सारे अंदर नहीं है, बिल्कुल अंधेरा, कोई चीज नजर नहीं। ये देखें इस जगह के बारे में क्या बताएंगे, खूबसूरत। फिलहाल खा रहे हैं तो फिर निकलवाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, मैं हूं तार मुस्तफा, आप देख रहे हैं एक्टिव आईटी यूट्यूब चैनल। तो अभी हम उठ गए हैं, जहीर अब्बास भी उठ गया है, सारे ही उठ गए हैं। अभी ठंडा बहुत पानी है, लेकिन इसी तरह नहाते हैं, थोड़े कपड़े चेंज करते हैं, या फिर आपको बाहर का नज़ारा और झील वगैरह दिखाते हैं। तो चलिए अभी नहाते हैं जी दोस्तों। तो सुबह का यहाँ का मैं आपको व्यू दिखाता हूँ, मैं इतने तो नहा रही है, नहा के तैयार हो गया हूँ, लेकिन इतना ठंडा पानी ना, जब पानी ऊपर डालता था एक बार दिल रुक जाता था, बहुत ठंडा पानी था यह। तो मैं तो इसी तरह नहा लिया मैंने, बाकी ये सब इन्होंने ये गर्म शर्म पानी कर रहे हैं, लेकिन मैं तो इसी तरह नहा लिया है। हाँ खेने आए तो आपको जंगल का यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। मेरा रूम है, ये रूम वाला रात को का था, गर्म पानी है, ये इन्होंने 2500 से लिया है। तो जो इधर नीचे था उन्होंने 1000 का था, लेकिन उसके ऊपर उनके पास गर्म पानी मौजूद था, गीज़र था वहाँ, लेकिन इधर नहीं था। इसने इन्होंने हमें कहा था आपको मिल जाएगा, लेकिन दिया नहीं अभी। तो इस होटल में हम रहे हैं कमरे में, तो ये इधर का व्यू है माशाल्लाह, और ये हमारी गाड़ी जिस पर हम आए हैं। मैं धूप इंजॉय कर रहा हूँ, बहुत सर्दी है, पानी बहुत ठंडा है, धूप इंजॉय कर रहा हूँ। तो फिर पीछे जाके आपको दिखाते हैं आबशार, वो असल आबशार तो ऊपर है, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। फ़िलहाल इधर थोड़ा रेस्ट करते हैं थोड़ा धूप में, ताकि ये थोड़ी सर्दी उतरे, क्योंकि ठंडे पानी से नहाया भी हूँ। ये देखे झील का प्यारा प्यारा सबा सबा पानी गुजर रहा है, और इसका ये खूबसूरत शोर। तो ये रात के चावल गर्म किए, तो हम ये फिलहाल खा रहे हैं, तो फिर निकलते हैं आबशार की तरफ। उससे भी हम आबशार की तरफ ऊपर जा रहे हैं। ये आबशार है, लेकिन पानी बहुत कम है इसमें, पहले ज़्यादा था, लेकिन आज बहुत कम पानी आबशार में। तो ये उधर पीछे हमारा होटल है, वहाँ से बोकर तो इधर आ चुके हैं, और ये इधर पानी है। जी जहीर अब्बास, क्या कहेंगे, रात आपने स्टे किया, बहुत मजा आया। अच्छा, नींद बहुत कमाल की आई। ओह अच्छा। उसके बाद हमने सुबह उठे हैं, पहले जैम है वो सामने पड़े हैं जी, जैम थे, उससे नाश्ता किया हल्का जी, जी। और अब हमने कहा कोई फास्ट कोई चीज हो जाए, मेरा माइंड बना, मैंने कहा अब आप क्या बना रहे हैं, अब मैंने चिप्स बनाई है, कमाल, थोड़ी काम थी, और मैंने कहा आलू और बना दे। अच्छा, ये चिप्स आपने बनाई है जी, ये देखें कितनी खूबसूरत। मुस्तफा भाई, आप इस जगह करें, इस जगह के बारे में क्या बताएंगे, खूबसूरत है, ब्यूटी है जगह, तो वही खूबसूरत और दिलकश है जी। लेकिन मैं जो है ना, मैं सोच रहा था कि यहाँ परिंदे होंगे, तो इसलिए मैं अपनी स्क्रीनशॉट भी साथ ले आया, नाइट भी ले आया। अच्छा, ताकि हंट कर सकूं, लेकिन यहाँ तो परिंदा मिलना जो है ना इंतहाई मुश्किल है, ना होने के बराबर है। गोया दाल में से गोया दाल में कोई एक काला तिनका यार, वो भी नजर नहीं आता। हाँ, कोई परिंदा नहीं है। अच्छा, किसी किस्म का अगर कोई एक आध होता तो फिर भी है। अच्छा भाई, आप कटाई कर रहे हो, इसी तरफ है। हाँ, आलू काट रहा हूँ। अरे आपको झील वगैरह दिखाई है, थोड़े कम हो गए थे, आप चार पे गए थे आप, क्या खूबसूरत व्यू था, बहुत अच्छा, पानी कम था, पानी कम था, कमराट अबशार, अभी सर्दी है ना इसलिए कम हो रहा है शायद। सरमद भाई बताएं इस जगह के बारे में, आप क्या जानते हैं, आपने काफी एंजॉय किया। जी बिल्कुल, बहुत एंजॉय किया, काफी अच्छी प्लेस थी, बहुत ही अमेजिंग। आपकी नाइट कैसी रही? बहुत ही अच्छी,
कमाल की ठंड बहुत थी बट बहुत मजा आया। खान साहब हैं जो सर्दी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं लकड़ी। तो यहाँ से हम वापस अपनी गाड़ी के पास जाएंगे और वहाँ से फिर सफर शुरू करेंगे टिकी टॉप का। वापस जा रहे हैं तो वापसी की एक पॉइंट है, पानी काफी तेजी से यहाँ से जा रहा है, तो हमने कहा चलो इसकी भी थोड़ी सी वीडियो बना लें। और ये देखें पानी का कलर देखें। दोस्तों मैंने अपनी मौज बनाई हुई क्रूजर के ऊपर लेट के जा रहा हूँ, बाकी सारे अंदर बैठे हैं, लेकिन मैंने जो मज़ा आया ना इधर इसमें ये सस्पेंशन इसके बहुत सॉफ्ट होते हैं लैंड क्रूजर के, बोर्ड मॉडल है ना, तो इसके ऊपर लेट के मज़े से जा रहा हूँ। तो ये टिकी बांडा जा रहे हैं, तो ये रास्ता देखें आप, थोड़ा बहुत चढ़ाई है बहुत ज़्यादा, ये उतराई है, वहाँ से आएंगे तो तभी थोड़ी दुश्वारी होगी लेकिन मसला नहीं है। ये देखिए उस साइड पे खाई है तो घर वगैरह है, लेकिन ये तो बचना भी नहीं ये तो घनी जगह चढ़ रहे हैं, लेकिन वो भी एवं आई है इस तो बल्कि ऊंचाई आई है, आप चढ़ जिस आराम ना हाँ जब हम वहाँ से आएंगे ना वापस ऊपर फिर आपको वहाँ का दिखाएंगे। पिल वो की शांति, ये मस्जिद देखे कितनी प्यारी है, नहीं है यार वो खब्बी पर से प्यारा जाना है, ये बाइक वाले हैं बाइक पे सफर करते हैं, ये की पूछिए अयो राय वो राय को नहीं, ये देखे कैसे घर है। ये देखिए तो हम जियाज बांडा जा रहे हैं, तो इधर क्रॉसिंग थी तो इधर गाड़ी लगाई अपने आज के लिए, मक्की वगैरह आई यहाँ लकड़ी का छोटा सा पुल बना उसके ऊपर गाड़ी लगाई है, विशिष्ट के बांडा। उस गड्डी जाने चार्जर भी होवे, हां चार्जर भी हो हमारा बैटरी सारा ऑफ होगा हो जाएगा। अच्छा मुसाफिर मुसाफिर के साथ जाती नहीं, अच्छा बात पहले फोटो बनानी एक सेंड कर तेरी वो फोटो ले लिया मैं आ आएंगे तो लाला फोटो बनानी लाला इस फोटो को सेंड कर उतार देंगे आपको वहां से घोड़े पे सवार होके जाना पड़ेगा फिश आता हो। तो ये देखें पहाड़ बादलों से मिल रहे हैं, यहाँ पे नज़र बीच में नहीं आ रहे, ये अखरोट का दरख्त है, अखरोट का छांव इसकी बहुत ज़्यादा है और अखरोट भी काफ़ी ऊपर लगे हुए हैं। इधर मैं आपको एक और दिखाता हूँ, काका मुंगला ओह सॉरी अंकल हमारे लिए पानी लेकर आए हैं, इधर पश्तो ही बोलनी पड़नी तो पड़ती है तो फिर वो मुंह से पश्तो ही निकल गई है। सिंह वाले काका है अलहमदुल्ला मुंगा को अटक वाला ही हो लेकिन फैसलाबाद के पाती की गो ना टूल फैसलाबाद वाला भी फैसलाबाद हाँ पंजाब की पार्टी पख्तून दही लंगर आदि पंजाबी आंदी मुंगो पख्तून
मुंगला को टूला राजी मु आम पोस्टा ने हां लेकिन सिर्फ जब आवाज आ हां बिल्कुल हां हां मुंगा सुवागा जियाज हां रोजो है अस्पताल चीज का अस्पताल से दे आता हां वो किस चीज का درخت है वो सामने ये दस से वाला दा अनार दी ना ना मारा दे सेब हां दा खरोड़ हां बिल्कुल हां अदल ता दी नहीं लावा पर फसल कम होगी ये तोड़ने वाले कब होंगे एक महीने बाद हां दायो फसल ले दी के दा देखी जो फसल आ रहा है हां क्या रेट चलता है यहां पर दा ज्वार यो फसल ले हां और नूर की कमी जो फसल ले सही दिन ज्वार ना पास ब्याप से करे ज्वार की जा खत्म से जा इस ना करे दा वशरी के जवाब पहला भाई हमें छोड़ के चला गया है तो जियाज पांडा है कि बांडा है बांडा तो वहां तक हमने जाना है पैदल इसी तरह तो ये रास्ता है जंगल के बीच से होकर तो अभी हमारी बस हो जानी है देखते हैं क्या बनता है तकरीबन कितना टाइम है घटना किस टाइम भी मैंने जराई है आगामी है तकरीबन डेढ़ घंटा डेढ़ से दो घंटे में लगेंगे अल्लाह खैर करेगा हमारी बैटरी पे मोबाइल पे बहुत कम है तकरीबन 10 से ऊपर नीचे आए परसेंट तो रास्ता भी अभी हमारा तकरीबन कोई चंद कदम चले हैं सांस सबकी फूल रही है क्योंकि हम कभी ऐसे जगह पे गया नहीं कोई ऐसा काम नहीं किया क्रिकेट वगैरह में खेलता था काफी उससे पहले वो भी अभी नहीं खेल रहे 4 मिनट हुए और इस बंदे की हालत देख ले आप और हमने 1.5 से 2 घंटे का सफर करना है और तकरीबन 5:30 से 6 का तकरीबन टाइम हो चुका है और आज जगह जोर लाई है ये इस जगह का व्यू है और बाकी सब पीछे हैं और मैं इधर आके बैठा हूं अभी वो आते हैं तो आगे चलते हैं लाइए भी है ना मोबाइल की बैटरी भी कम है कोई आपको व्यू जाने का इस साइड से दिखाएंगे इस व्लॉग में कोई आपको अगले व्लॉग में दिखाएंगे जब वापस आएंगे तो उधर से मैं इंशाल्लाह बैटरी इसके फुल करके आऊँगा तो फिर आपको वहाँ का व्लॉग दिखाएंगे और एक अच्छे अच्छे व्यू आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे वो जानू मानू यार दोस्तों यार बहुत रात हो चुकी है तकरीबन 7:30 हो चुके हम 6 बजे वहाँ से निकले 1.5 घंटा आ गया अभी हम रास्ते में ही हैं बिल्कुल अंधेरा कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही और मैं इधर बैठा हूँ यार ये पीछे थक गया तो इधर बैठे हैं अभी दोबारा चलते हैं इंशाल्लाह आपको वो जगह ज़रूर दिखाएंगे और वापसी भी आपके लिए फुल व्लॉग होगा यानी अभी अंधेरा भी हो चुका है मोबाइल की बैटरी भी लो है तो अभी हमें तकरीबन आधा घंटा लगेगा तो फिर चल के आपसे मुलाकात होती है तो अभी हम तकरीबन 2.5 घंटे का सफ़र करके जियाज बांडा आ चुके हैं जियाज है नहीं लेकिन जियाज बांडा इसका नाम है तो यहाँ आ गए तो सुबह इंशाल्लाह यहाँ से आगे जाएंगे तो यहाँ से आगे हम जाएंगे कटोरा झील कुंड बांडा भी जाएंगे रास्ते का मैं आपको ज़्यादा व्यू नहीं दिखा सका बहुत खूबसूरत जगह थी
लेकिन बैटरी इतनी लो थी कि आपको बताया। और इधर जो होटल है सब में तकरीबन सोलर पैनल वाला सिस्टम है, लाइट है, लेकिन मोबाइल वगैरह चार्ज नहीं होते। एक पीछे होटल है वहाँ चार्ज होता है, लेकिन 12 बजे तक, उसके बाद वो जनरेटर बंद कर देते हैं। और ये ताजमहल है होटल, उससे थोड़ा सा आगे आया ना, इधर ना 24 घंटे बिजली सही है, मोबाइल वगैरह चार्जिंग ज़बरदस्त है। उसका थोड़ा व्यू प्यारा है, लेकिन वो मुझे चार्जिंग वाला मसला है, तो हम वो जगह छोड़ के इसीलिए हम इधर आए थे ताकि हमारे मोबाइल वगैरह सही चार्ज हो सके। सुबह इंशाल्लाह से किसान मुलाकात है, तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।